वेलकम बैक गाइस। टुडेज़ टॉपिक इज़ रेवेन्यू इन अ इम्परफेक्ट मार्केट। तो इम्परफेक्ट मार्केट में हम रेवेन्यू पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रेवेन्यू इन अ परफेक्ट मार्केट बताया, उसकी रिलेशनशिप, उसके टैबुलर शेड्यूल मैंने बताया, ठीक है। फिर उसके ग्राफ मैंने आपको बताया, टर्मिनोलॉजी जो आपको अगर पढ़नी टर्मिनोलॉजी तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो में चलिए और उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अगर जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी तो, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपडेट रहें। तो अब हम शुरू करते हैं रिवेन्यू और परफेक्ट मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट में रिवेन्यू अब हम देखेंगे कि कैसा होता है। तो सॉरी, इम्परफेक्ट मार्केट में, तो इम्परफेक्ट जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इम्परफेक्ट, ठीक है। तो इसका मैं आपको फीचर बता देती हूँ, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इम्परफेक्ट मार्केट में आप हम क्या प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस नॉट कांस्टेंट, ठीक है। प्राइस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं होता है, और यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो बार्गेन कर सकता है प्रोड्यूसर से, सप्लायर से या फिर सेलर से, ठीक है। बार्गेनिंग इसमें होती है और यहाँ, ठीक है। तो अब हम इसको टैबलेट फॉर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी शेड्यूल बनाते हैं, प्राइस लेते हैं हम इसमें और यूनिट लेते हैं TR, MR, AR, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ हमने प्राइस ले लिया। जैसे कि प्राइस कांस्टेंट नहीं होते हैं तो 10 ले लिया हमने, फिर 9 ले लिया, फिर 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका TR निकालते हैं। तो TR हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, TR P इंटू Q, ठीक है। तो P इंटू Q हम कर देंगे तो 10, 9 टू सा 18, 8 थ्री सा 24, 7 फोर सा 28, 30, 30 एंड दिस 28, ओके। MR AR हम लेंगे, AR हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, TR ओवर Q, तो TR ओवर Q हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ आ गया यूनिट, यहाँ आ गया TR, AR, MR, ओके। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्राइस हमारा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। प्राइस हमारा घट रहा है, यूनिट हमारी जितना प्राइस घट रहा है उतनी हमारी यूनिट ऑफ कमोडिटी बढ़ रही है। TR हम निकाल रहे हैं तो हमने देखा TR जो है वो 10, 18, 28, पहले ये इतना इंक्रीज होता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे, फिर ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। MR क्या होता है, नेगेटिव फॉल हो रहा है, देन ज़ीरो, देन नेगेटिव। AR हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR डिक्रीज़ होता है, TR इंक्रीज़ होता है बट डिमिनिशिंग रेट पे, फिर ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर ये डिक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम इसको ग्राफिकली हम करेंगे तो ये आएगा, TR हमारा क्या है,
जीरो नहीं है, तो इसको हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते थे आज से, ठीक है। ये है हमारा 10, तो हम इसको 10 से स्टार्ट करेंगे, यानी इसको हम यहाँ से करेंगे। पहले ये इंक्रीज़ हो रहा है, बड़ा डिक्रीजिंग रेट, तो जो भी इंक्रीज़ होता है डिक्रीजिंग रेट पे, तो वो हल्का सा झुका हुआ होता है, ठीक। ओके, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो हमारा टी आर है, यानी कि ये जो टी आर है टोटल रेवेन्यू, ये 30 है, मैक्सिमम है। यहाँ पे आके फिर ये थोड़ा सा, ये ज़रा सा कांस्टेंट हो जाएगा, इतना बढ़ेगा आगे, फिर ये होगा फॉल, ठीक है। अब जो हमारा जो एम आर है वो क्या है, जब ये देखो, ये जो हमारा एम आर है ये 0 है जब ये 30 है, तो ठीक है। तो हम इसको इसी तरह से करेंगे, हम इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, ताकि एम आर बनाने में इजी रहे। एम आर को हम यहाँ से लेंगे, इसको 0 करना है, यहाँ ये एम आर आएगा, ये 0 होगा, ठीक है। एम आर ये बाहर की तरफ निकलेगा, बिक�ज एम आर इज़ नेगेटिव, -2 है, एम आर इज़ नेगेटिव, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये एम आर हो गया। अब ए आर जो है हमारा फॉल कर रहा है, बट पॉजिटिव है, यानी कि ये ए आर जो है एम आर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टी आर, ये ए आर, ये एम आर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ जो है बहुत मायने रखता है, बिना ग्राफ के आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। तो ग्राफ बनाते समय बहुत केयरफुल रहिएगा, अगर ये मैक्सिमम पॉइंट पे, तो ये 0 पे ही लाया करें, ये नहीं कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे तो ये नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कि आप ग्राफ बनाते समय पूरा ध्यान के साथ आप ग्राफ बनाएं, क्योंकि बिना ग्राफ के इकोनॉमिक्स नहीं हो सकते आप। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन, अब हम इनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन किसका, टी आर एंड एम आर अंडर इम्परफेक्ट कॉम। देखो, टी आर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट पे टी आर इंक्रीज कर रहा है, देन एम आर फॉल्स, एम आर फॉल कर रहा है, बट एम आर इज पॉजिटिव, ठीक है, फॉल कर रहा है, टी आर इंक्रीज हो रहा है, ये रहा हमारा टी आर, टी आर इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट, और एम आर हमारा फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव, जब तक ये इंक्रीज कर रहा है जब तक ये पॉजिटिव है, ठीक है। द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज कि टी आर जो है वो, टी आर जब मैक्सिमम है तो एम आर इज पॉजिटिव, एम आर हमारा है, सॉरी एम आर इज़ 0, 0, जब टी आर इज मैक्सिमम तो एम आर इज 0। थर्ड वन एंड द लास्ट इज टी आर फॉल्स, अगर टी आर घट रहा है, सॉरी गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एम आर इज नेगेटिव, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर। तो ए आर एंड एम आर दोनों कर्व, बोथ आर बोथ डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये, ठीक है। सेकेंड इज फॉल्स इन एम आर, जितनी भी बार एम आर फॉल इन एम आर इज ट्वाइस, देन द फॉल इन ए आर,
यार अगर एक एक से घट रहा है तो एम आर दो से घटेगा। देखो ए आर यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, ठीक है। एम आर को देखो, यहाँ पे टू, देन यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू से फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे टू से फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे भी टू से फॉल कर रहे हैं, और ये यहाँ पे वन वन से फॉल कर रहे हैं। तो ए आर में रेट ऑफ फॉल एम आर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए आर। अगर ये एक से कर रहा है तो ये इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। एंड द थर्ड रिलेशनशिप इज़ एम आर कैन बी ज़ीरो। एम आर कैन बी ज़ीरो, ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट एवरेज रिवेन्यू ऑलवेज पॉजिटिव। एवरेज रिवेन्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन दिस दीज आर द रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर। इफ़ यू लाइक मे वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब।